नहीं नहीं भाई, तुमको यहां पर छोड़ने का मैंने रिस्क नहीं लेना। पता चले मैं मुल्तान चला जाऊं और तुम्हारे इरादे बदल जाएं यहां पर। आइए। अच्छी सजना वे मैं सिख गई आ पीड़ा नल वसना। मुझे पूरी उम्मीद है अगर जोया का मंसूर की पसंदीदगी का पता चल जाएगा ना तो वो मुखालफत नहीं करेगी। वो मुखालफत कर चुकी है, हमने उन्हें सब कुछ बता दिया उसने। जोया तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जोया मेरी बात सुनो। अब्बा आप कुछ सोच रहे हैं? बेटा तुम्हारी फ्रेंड जो कुछ कह के गई हैं वो तस्वीर का एक रुख है, पूरी हकीकत नहीं है। और वैसे भी वो तुम्हारी अभी नई नई दोस्त बनी है। कैसा रुख अब्बा? बेटा वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के दोस्त का बेटा है। अलीदगी की वजह में सारी गलती उस लड़के की नहीं है, कुछ गलती आपकी फ्रेंड की भी है जिसकी वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और जिस शख्स की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसी शख्स से बिल आखिर अल्टीमेटली आपके दोस्त की शादी हो गई। बात में खोट है बेटा। नहीं अब्बा ये झूठ है, उसने मुझे खुद बताया है। बेटा सच और झूठ का फैसला हम नहीं कर सकते, हम एनी शाहिद नहीं है और ना ही वो लड़की तुम्हारी कोई बहुत पुरानी कोई दोस्त है और ना मैं उनके घर वालों को जानता हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि लड़की की गलती ज़्यादा थी, 80% गलती लड़की की थी। वो लोग अगर चाहते तो उसे माफ़ कर देते लेकिन उनकी गैरत ने ये गवारा नहीं किया। अब क्या मैं इन बेतुकी बातों की वजह से ये रिश्ता ठुकरा दूँ? पता नहीं कैसे बेटा उस लड़के ने उस लड़की से लव मैरिज की। वो लड़का चाहता था कि घर बसा रहे मगर वो लड़की नहीं चाहती थी। इसलिए बेटा तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपने मुस्तकबिल के गैर ज़रूरी जज्बाती फैसले मत करो। मैं पूरी तहकीक कर रहा हूँ, जब मैं मुतमईन होऊंगा बात आगे बढ़ा दूंगा। क्योंकि बेटा मेरे बाद तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं है और न जाने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते मैंने तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से ठुकरा दिए। लेकिन बेटा अब ये मजाक नहीं होगा, तुम्हारी फिक्र करने के लिए अभी तुम्हारा बाप जिंदा है और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम जोया से इस रिश्ते के बारे में कोई बात ना करो। जी लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं अब्बा। एक शख्स जिसने मुझे इतना जुल्म किया कि मुझे मोहब्बत के नाम से ही नफरत हो गई, वो बार बार क्यों मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है? क्यों अल्लाह क्यों? जोया क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी ठीक। और ये तुम्हारा फोन क्यों बंद है? बस ऐसे ही। कमाल कब से तुम्हें फोन कर रहा है, वो तुमसे बात करना चाह रहा है, उसे फोन कर लो। क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त का रिश्ता तय हो गया? जी पापा अभी तो बस बात हुई है, मुलाकात हुई है, देखें आगे क्या होता है। चल अच्छे लोग होंगे। अच्छा तुम खाना खाओगी? मैंने फ्रिज में रख दिया था, कहो तो गर्म कर दूं। नहीं पप्पो थैंक यू सो मच, मैं खाना खा के आऊंगी। अच्छा मैं किरण बात कर रही हूँ। आइंदा तुम्हें बैंक का कोई भी काम होगा तुम मुझे फोन करोगी, समझी तुम? सॉरी रॉन्ग नंबर। क्या हुआ,
कोई परेशानी है क्या? बस रॉन्ग नंबर था। बेटा अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा है तो कंपनी में शिकायत करो उसकी। नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो तुम कमाल को फोन कर लेना, ठीक है? जी। हेलो। किससे इतनी लंबी लंबी बातें चल रही हैं तुम्हारी? अच्छा सुनो, मेरा यहाँ बहुत बुरा हाल है यार। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम पूछो क्या नहीं हुआ। एक तो 50 डिग्री टेम्परेचर है और सुबह सुबह फील्ड में जाना होता है। तू चले जाओ, वहाँ वैसे भी काम करने ही गए हो। हाँ चला तो जाऊंगा अगर सुबह तक जिंदा बच गया तो। अल्लाह रहम करे, कैसी बातें कर रहे हो? इस होटल में कमरा मिला है ना, बहुत फर्नीचर है और ऊपर से एक अम्बख्त ऐसी भी काम नहीं कर रहा। मेरा तो दम घुट रहा है यार। यार कमाल, 2-3 दिन की तो बात है, गुजारा कर लो, क्या हो जाएगा। अच्छा तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? मैं क्यों ये चाहूंगी कमाल। अगर तुम चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो इसी वक्त तैमूर को फोन करके बोलो कि मेरा होटल चेंज करे। इस वक्त? देखो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार है नहीं, होने वाला है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसे अभी फोन करो वरना मैं कल ही वापस आ जाऊंगा। कमाल नौकरी तुम कर रहे हो और फोन मैं करूँ उसे? तुम्हें करना होगा, जल्दी करो और मुझे बताओ, समझ आ रही है? क्या बात है, सोई नहीं अभी तक? कैसे सो सकती हूँ मैं? अभी तक उस बेकार की बात के बारे में सोच रही हो तुम? बेकार की बात? तुम्हारी बीवी होने के नाते सोचना मेरी मजबूरी है हसन। तो क्या बीवी होने का मतलब यही होता है? ये नहीं होता, लेकिन लेकिन ये भी होता है ना हसन? मैं क्या करूं, मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ मुझे कुछ अच्छा एहसास नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो किरण, ये करके तुम मेरे और अपने रिश्ते को कमजोर करोगे। ऐसे मत बोलो। तो कैसे बोलो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम यही चाहती हो। हसन मैं मर के भी ये नहीं जा सकती, आप जानते हैं ये बात। तो प्लीज बार बार इस तरह मेरे आत्माद को ठेस मत पहुंचाओ और ना। मैं क्या करूं, मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं करती। ओके अच्छा, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। तुम बाहर जाओगी ना, थोड़ी अच्छी हवा लोगी तो मेरे और अपने बारे में कुछ अच्छा सोच सकती है। Let's go. क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस नहीं गई? तुम थोड़ी देर तक जाऊंगी। कमाल से बात हुई? उसी की वजह से सो नहीं पा रही हूँ। क्यों, क्या कह रहा था? साहबजादे को 5-star होटल में लग्जरी सूट चाहिए। हाँ तो आराम तो मिलना चाहिए ना। क्या हुआ, मिल गया उसे नया होटल? पप्पू हर चीज़ ना स्टैंडर्ड्स और स्टेटस देख कर दी जाती है। तो चलो अब तुम आ गई हो ना, बढ़ाओ उसका स्टेटस। और वैसे भी कंपनी का मालिक तुम्हारा बहनोई है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? जी वैसे इसमें बुराई क्या है कि अगर उसको कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए? वो ये पोस्ट ना तालीम देख कर दी जाती है। तुम क्या कमाल को इतना गया गुजरा समझती हो? अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा पप्पू। मुझे तो ऐसे ही लगा। नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। देखो जोया, अगर कमाल तरक्की करेगा ना तो उसमें तुम्हारी भी इज्जत होगी।
हाँ भाई, लड़की पसंद आ गई तुम सबको? क्या हो गया, ये तुम सब लोगों को सांप क्यों सूंघ गया? देखें पप्पू, ये मामला थोड़ा हसास। पप्पू, लड़की तो अच्छी लगी। आपको बहुत जल्दी पसंद आ गई। किरण, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे भाई को पसंद आई है। अच्छा, तो फिर ये बोल क्यों नहीं रहा? पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, सूरत है, और क्या चाहिए? और बाबा के दोस्त की बेटी है। अच्छा, तो यूं कहो ना कि डाकखाना मिल गया है। देखो भाई, पहले भी एक लड़की इसी तरह से हमारे पल्ले पड़ गई थी, तो अब जो भी बात करो जरा देखभाल के, सोच समझ के करना। मैं तो एक बात कहूंगी फसीला, मेरी लड़की वही अच्छी होती है जो घरेलू हो। हाँ, वही आके रच बस जाती है, फरमा बरदार हो कम से कम। देखें, उसके साथ जो भी किया आप लोगों ने ही किया। तो आप हमें इल्जाम दे रहे हैं? एक गाड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या हासिल होगा? आप लोग क्यों बहस कर रहे हो ऐसी? फजीला, आदमी को अपने तजर्बे से सीखना चाहिए। पो प्लीज, अभी तो बात भी तय नहीं हुई है, आपने अभी से तबसरा शुरू कर दिया। मंसूर मियां, तबसरे तो बात तय होने के बाद भी होंगे, और तो और शादी के बाद भी होंगे। आप जाने देना। वैसे फजीला, बड़ी अच्छी तरबियत की है तुमने इसकी। पप्पू प्लीज, बात को आगे ना बढ़ाएं। वाह हसन बेटा, ये है तुम्हारा इंसाफ। हाँ देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये रिश्ता तय नहीं हो जाता, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा। भाई बिल्कुल ठीक है। अपना जोश तो खत्म कर दीजिए। भला ऐसा क्या कह दिया मैंने? हाँ, आपने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। किरण, मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। आपका वह मैम, बैठो। बस दो बातें करने आई हूँ। हाँ बोलो। अब्बा का कहना है कि असल हकीकत तो कभी सामने आ ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना कुछ और उन लोगों का कहना कुछ और है। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो सब सच कह रहे हैं और जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ है? नहीं जोया, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी को भी जज नहीं कर रही, बस अब्बा जो फैसला करेंगे मुझे वो कबूल है, और मैं कोई भी फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। ना मेरी माँ है, ना भाई, ना बहन। देखो मीना, जो हकीकत थी मैंने तुम्हें बता दी, क्योंकि ये मेरा फर्ज था। लेकिन आधी हकीकत, अब्बा का कहना है कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। क्या मतलब मीना? तो तुम अपने अब्बा को ये भी बता दो कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानते हैं। मुझे इस मामले से दूर ही रहना चाहिए था। मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं चलती हूँ। आइए आइए मोहतरमा, आइए प्लीज, आइए प्लीज। सॉरी, मैं इत्तला किए बगैर ही आ गई। नहीं नहीं, आपका घर है, आप जब चाहें आए। जी साशा किधर है? साशा वो जरा केमिस्ट तक गई है, बेसिकली मेरी कुछ दवा खत्म हुई भी थी, वो लेने गई है। आप मुझे बताइए, ठंडा गरम कॉफी? आई डू इट। उनकी माँ के मरने के बाद आपको पता है? नो नो नो,
मैं अपना पानी अपने साथ रखती हूँ, आप जहमत मत करिए। आपसे ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा है बच्चे यहाँ मौजूद नहीं हैं। जी जी कहिए। जमाल और मैंने फैसला किया कि हम निकाह पे चंद लोगों को ही बुलाएंगे। अच्छा ना, आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा ज़्यादा। अरे अपनी बेटी की शादी करना मुझ पर क्यों बर्डन होगा भाई? मैं तो बहुत धूमधाम से उसकी शादी करूंगा। आफ्टर ऑल हमारे खानदान की आखिरी शादी है। अब इतना भी गिरा पड़ा नहीं हूं मैं जितना आप समझ रही हैं मैडम। देखिए हम बाद में ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे, उसकी आप फिक्र मत करें। हाँ वो आप जरूर रखिएगा। देखिए मेरी तो ख्वाहिश ही होगी कि आप पूरे अपने खानदान वालों के साथ, अपने दोस्तों अहबाब के साथ मेरी बेटी को यहाँ से रुखसत करके लेके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की कमी नहीं पाएंगी आप। आपको मैं कैसे समझाऊं, आपको समझ नहीं आ रही बात की। आप बेशक बुलाएं जिसको भी आपने बुलाना है, लेकिन हम चंद लोगों को बुलाएंगे। क्यों क्यों? आप जज्बाती हो रहे हैं। देखें कम खर्च करने के लिए लोग एक फंक्शन भी रखते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपको पड़ सकता है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? आप ये कहना चाहती हैं कि आपके मेहमानों के लिए हमारा इंतजाम उनके शायाने शान नहीं होगा? Is that what you mean? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे डर था यही होगा। आप बात को समझने की कोशिश करें। हमारे लोगों की गैदरिंग कुछ और किस्म की है, ये हमारी मजबूरी है, इसको समझें। आप क्या समझ रही हैं? मैं अपनी बेटी को किसी 5-स्टार होटल से रुखसत नहीं कर सकता। अगर आप कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप जज्बाती होंगे तो ऐसा करने से हम दोनों ऑकवर्ड हो जाएंगे। आप उसी वेन्यू से रुखसत करें जो आपने चूज किया है, बेशक आप अपने घर से करें। किसी की भी तौहीन करने के कितने तरीके आते हैं आप लोगों को, है ना? हैरान हूं मैं। आप मेरी नाक कटवाना चाहती हैं क्या? आपको गलत फहमी हो रही है। आप जरा ठंडे दिल से सोचें तो शायद आपको हमारी समझ आ जाए। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। चलो बेटा पानी पियो। हमें एक और ग्लास ले। अच्छा बेटा। गर्म इलाके से आ रहा हूं ना, डिहाइड्रेट हो गया हूं। तुम अब आ रही हो? तुम्हें तो 2 घंटा पहले आना चाहिए था ऑफिस से। छुट्टी तो 2 घंटा पहले होती है तुम्हारी। ना सलाम ना दुआ शुरू हो गए। तो किसी हाल छोड़ा है तुमने मुझे? क्या किया मैंने? अब क्या क्या किया है? जल्द इधर लाए यार। यकीन करो बस मेरी एक अम्मी है जो मेरा ख्याल रखती है, अगर ये ना हो ना तो पता नहीं क्या हो मेरे साथ। रात भर तुम्हारी शिकायतें सुनती रही। उसे कॉल क्यों नहीं की तुमने? कमाल तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क होना चाहिए। हाँ तो इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ। क्या मतलब? और तुमने तो कल शाम में आना था, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ जाहिर है तुम तो चाहती हो कि मैं दूर रहूँ तुमसे, है ना? ये कब कहा मैंने कमाल? अच्छा बस बस बस, सब जानता हूँ मैं, सब दिखता भी है मुझे। क्या हो गया है? क्यों जोया से उलझ रहे हो? उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बेचारी बेचारी नहीं है। ये अगर चाहती ना तो मेरा कमरा चेंज करा सकती थी। भाई आप ऐसा करें मेरा बैग उठा के कमरे में ले जाएं प्लीज, इतना तो कर लें। तो मच्छर इतने थे, लग रहा मुझे डेंगू हो गया। अम्मी ऐसे मौसम में डेंगू नहीं होता। किसने कहा है तुमसे? किसको देखा है तुमने ऐसा? अम्मी आपको पता नहीं है, पता नहीं किन किन लाखों में भेज दिया मुझे। कोई दुकान ही नहीं थी उधर, ना कोई बंदा। बड़ा बुरा हाल हो गया था मेरा, मैं आपको क्या बताऊं। आंखों में भी दर्द हो रहा है। ओह हेलो हेलो तैमूर, ये रोजीना आंटी अभी से ऐसा क्या कह के गई हैं कि उनका मूड इतना ऑफ हो गया है? यू नो ही इज अ हार्ट पेशेंट। साशा आई नो दैट, लेकिन मॉम जो बात करने आई थी वो भी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है बट बात करने का कोई तरीका होता है ना तैमूर। इन बातों में उलझ के तुम क्यों शादी डिले कराना चाहती हो यार? मतलब हो जाने दो ना जैसे हो रही है। और मॉम ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पे अभी इतना जज्बाती हो गए। व्हाई आर यू बीइंग सो टिपिकल अबाउट इट?
Don't we have anything else to talk about? Okay, I understand. जैसे एक खड़ूस बाप वैसे एक कूड़ मगज बेटी। तुम अपने आप को देखो तैमूर, अपने बाप को देखो, इनका स्टेटस देखो, हम उन लोगों की तरह नहीं है। फजल अंकल की कॉल आई थी, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है कि जोया ने हमारी कोई बुराई नहीं की उनसे। कहाँ हैं साहबजादे तुम्हारे? घर पर ही हैं। लो आ गया। अच्छा तुम तो वहां गई थी ना साशा से मिलने, तो कैसी रही तुम्हारी मीटिंग भाई? बहुत बुरी। पता नहीं कैसे लोग हैं, कौन से दुनिया में रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, मैं उनकी भलाई के लिए गई थी लेकिन वो अपनी जिद पे हैं। रियली? और तो और उनके घर पे शादी होगी और अपने साथ हमारा भी मजाक बनाएंगे। लेकिन बात धीमे लहजे में भी हो सकती थी मॉम। देखो बेटा तैमूर, हम उन्हीं के फायदे की बात कर रहे हैं। वो चार लोगों के साथ सादगी से अपनी बेटी को ब्याह दें, हम ले आते हैं उसे, फिर द वे वी वांट इट वी विल डू इट, अपना रिसेप्शन खुद करेंगे। जैसे ही खड़ूस बाप वैसे ही कूड़ मगज बेटी। तुम अपने आप को देखो तैमूर, अपने बाप को देखो, इनका स्टेटस देखो, हम उन लोगों की तरह नहीं है। मैं बहुत देख चुका हूँ मॉम, आप प्लीज ये समझने की कोशिश करें जरा। रोजीना, तुमने ऐसा क्या कहा वहां जाकर? कुछ भी तो नहीं, मैं भी बात का बतंगड़ बना रही। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हारा बुरा क्यों सोचूंगी? बेटा तुम्हारी मां वहां नेक नियति से गई थी, दे बिकर सो मच, तुमने जितना भी उनके रिएक्शन का ख्याल किया बात हमेशा बिगड़ी है ना। सो लेट योर पेरेंट फॉर वंस, आई वुड सजेस्ट कि लीव दिस टू योर पेरेंट्स। बिल्कुल। किरण, तुम जानती भी हो इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है? बस 24 घंटे इस मोबाइल में लगी रहना तुम। आपका दिमाग अभी तक वहीं अटका हुआ है। अरे अटका क्यों नहीं होगा, आखिर हम लोग भी इस घर के फर्द हैं, इस घर की हर खुशी गमी में शरीक हुए हैं। लेकिन हमसे मंसूर की शादी की बात छुपाई जा रही है। छुपाई नहीं जा रही अम्मी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? छुपाई जा रही होती तो हमें साथ लेकर जाते। अरे किया उन्होंने साथ ले जाने की बात, लेकिन घर में तो नहीं पूछा ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस घर की बड़ी नहीं रही। आए हाय, आपके बिना। अच्छा हसन मुझे बता रहा था कि रिश्ता मामू साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं उनकी वजह से। हाय मेरा भाई मर के भी इन लोगों के काम आ रहा है, लेकिन ये लोग उसी भाई की सगी बहन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अच्छा सुने, मेरा दिल कर हम ड्राइव पे चले, मैं और आप, फिर आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से वहां से खाना खाएंगे। ठीक है, कितने दिन हो गए मैं भी इस घर से बाहर नहीं निकली। हाँ चलते हैं। और आपका वो ब्लैक वाला ड्रेस है ना, आप वो पहनिएगा, बड़ा अच्छा लगता है आप पे। ठीक है, तैयार हो जाए। तुम भी तैयार हो जाओ और अच्छे से तैयार होना। ठीक है। सर कमाल ने जान अजाम में डाल रखी हुई है, वहां से बार बार फोन करके बड़े होटल में रहने की फरमाइश करता रहा और तो और गाड़ी भी मांगता रहा। सर इस तरह दूसरों पर बुरा असर पड़ रहा है, कल को वो भी नए मुतालबात कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर कबीर, मैं देख लूंगा आप जा सकते हैं। क्या हाल है? क्या हुआ? आप अपनी जॉब असाइनमेंट क्यों छोड़कर आए? यार वो बहुत गर्मी थी यार और डिहाइड्रेशन हो गई थी मुझे, बड़ा बुरा हाल था बॉस। ये आपने अच्छा नहीं किया कमाल,
पता है आप सब बातें कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है आपको मैंने रखवाया था। तो हो गया ना जो होना था। बिल्कुल नहीं, आपके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा, आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा जिसका आपको रिटर्न में जवाब देना होगा, समझे जी। अब काइंडली आप जाएं, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भाई मैंने तो इसलिए फोन नहीं किया कि सोचा आप पहले कुछ बताएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, सोचा इंतजार कर लूं। वालेकुम। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, जैसे आपके, खुदा हाफिज। आज जल्दी आ गए? जी बस ऑफिस के बाद एक मीटिंग थी, मीटिंग से जल्दी फ्री हो गया तो सोचा घर ही चलूं। पता है फजल भाई का फोन आया था, मैंने तो बता दिया हमें लड़की पसंद है। अच्छा किया। मुझे तो लगता है वो लोग मान गए। बस बेटा मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती रहती हूँ। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। मुझे लगता है जरूर लड़की के बाप ने ना हमारी राय जानने के लिए फोन करवाया होगा। हो सकता है, शादी से पहले कितने मरहले होते हैं ना, तंग आ गया हूँ मैं तो। अरे अब्बा आप चाय के बगैर ही शुरू हो गए आज। ये लीजिए। क्या वो फ्रेश हो गई? हाँ बिल्कुल। गुड। और ऑफिस कैसा चल रहा है? वही सेम ओल्ड एज जैसा बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। अच्छा वो क्या? बेटा मैंने तमाम जगहों से बहुत अच्छी तरह पूछगछ कर ली है, वो लड़का और उसकी फैमिली बहुत अच्छे हैं। बल्कि मेरा दोस्त तो ये कह रहा था कि आप आंखें बंद करके फौरन हाँ कर दें। उनके वालिद मरहूम भी काफ़ी अच्छी समाजी और कारोबारी साख रखते थे। इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्दी है मुझे घर से निकालने की। तुम्हें घर से कौन निकाल सकता है, और मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। बेटा मैं तो सिर्फ बस ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें रुखसत करके सुकून से मर सकूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कहते अब्बा। ये लो। ये क्या? शो कॉज नोटिस। तो मैं क्या करूं? इसका जवाब लिखना है एक दिन में। लिख तो मैं भी सकता हूं लेकिन मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो तुम लिख दो। और वजह क्या लिखनी है ना जाने की? डिहाइड्रेशन। तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना? देखो यार कैसे फंसवाया तैमूर ने मुझे, मरवा दिया बिल्कुल उसने मुझे। देखो कमाल, ये जो एटीट्यूड होता है ना ये घर में चल जाता है, ऑफिस में नहीं। एटीट्यूड का तो मुझे पता है मैडम, तुम्हारे होने वाले बहनोई ने ना अभी से अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं। वो भी किसी को जवाब दे यार। जाहिर है तुम तो उसी की साइड लोगी ना, उसने मुझे ऑफिस में आज इतना जलील किया है कि तुम्हारी सोच है। शुगर का तीसरा बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। कमाल कभी कभी बॉस डांट भी देते हैं, दैट्स फाइन। और इसका जवाब मैं सुबह तक लिख दूंगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट? वो तो डॉक्टर ही बना के देगा ना, उसी को पता होगा ये सब। हाँ सही है, चलो फिर अभी चलते हैं, इसी बहाने तुम्हारे मायके भी होते हुए आएंगे। हाँ चलो रखो। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फजल भाई? अच्छा उन्हें पसंद आ गया, शुक्र अल्लाह का। मेरा बेटा है ही बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है मैं उनसे बात कर लूंगी। क्या बात है, अम्मी बड़ी खुश दिख रही है। तुम्हारे फजल अंकल का फोन आया था, वो बता रहे थे कि लड़की और उसके वालिद को तुम पसंद आ गए हो। सुनगुन ले रहे थे कि हमें भी लड़की पसंद आई है कि नहीं आई।
मैं उसके वालिद से बात करूंगी। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ भाई, तुम्हारा इंतजार। फजल अंकल की कॉल आई थी, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है कि जोया ने हमारी कोई बुराई नहीं की उनसे, अगर की होती तो वो कभी भी कॉल ना करते। तो अगर हम कॉल करते हैं पता नहीं क्या होगा। अम्मी अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो ठीक है, मैं सलाम दुआ के लिए ना उन्हें कॉल कर लेती हूँ, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। अब तुम क्या सोच रहे हो? अम्मी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, और अगर ये रिश्ता आसमानों पर बना है तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता। यार मेरी ऑफिस में एक नई कुलीग बनी है, कुछ महीने पहले ही उससे दोस्ती हुई है। अच्छा तो क्या हुआ उसको? उसको मंसूर भाई का रिश्ता आया है। ना तो मुझे कुछ आइडिया था ना उसे कुछ पता था। ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ? उसने मुझसे मदद मांगी, मैंने नेक नियति में उसकी मदद कर दी, उसको सब कुछ ऑनेस्टली बता दिया। लेकिन सुनो आगे क्या हुआ। अगले दिन आके वो मुझ पे ही भड़कने लगी, मुझे ही बोलने लगी। गॉड जोई, ये मदद करने का जमाना नहीं है, तुम पहले भी ठोकर खा चुकी हो, छोड़ दो ये लोगों की मदद मदद करना। सुनो तो आगे क्या हुआ। मुझे कहने लगी जहाँ आग होती है वहीं से तो धुआं उठता है। मुझे यकीन नहीं आया ये वही लड़की है जो मुझे अपनी दोस्त कहती थी, मतलब इतने दिनों से मुझसे इतनी अच्छी अच्छी एक्ट कर रही है और अब इसको क्या हो गया? जोई, हसन भाई भी तो कल तक अपने थे ना, आज कैसे पराए हो गए? लोग कितनी जल्दी आंखें बदलते हैं। एनीवेज ये सब छोड़ो, खत्म करो काम, अभी के पास चलते हैं, बेचारे बहुत डिस्टर्ब हैं। चलो। ऐसे लोग तो ना मैंने देखे ना सुने, माना अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये क्या क्या हमारी इज्जत तार तार कर दे। यार हम भी इज्जत वाले हैं। वैसे मामू एक बात तो है, इस सब में आप ही का फायदा हुआ है। अरे नुकसान और फायदा भाड़ में जाए, मुझे फुटबॉल बनाया हुआ कभी यहाँ कभी वहां। अबे ऐसे तो नहीं गए ना प्लीज। और मामू इस तरह आपके पैसों की भी बचत हुई है ना। ऐसे मौके पे ये सब बातें करने का क्या फायदा कमाल। और वैसे भी अभी मैंने तो साशा के लिए मेहंदी स्पॉन्सर करने का सोचा हुआ है, उसका क्या होगा? हम कुछ भी कर लें ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा। अब ऐसा भी कुछ नहीं है कमाल भाई। आप कुछ भी कर लें ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी मेहंदी 5 दिन तक चलती है और ग्रैंड रिसेप्शन दुबई में होता है। तो क्या करें, उनका चांद देख के अपना दिया बुझा दें, बेइज्जत हो जाएं। हाँ वैसी भी कोई बात नहीं है, मतलब हम अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ना। अरे शुक्र करो ये पसंद की शादी है, पसंद की शादियां ऐसी होती हैं क्या? और वैसे भी हसन भाई और जोई की शादी तो मैरिज हॉल से ही हुई थी। हाँ ठीक है, जैसे वो शादी हुई थी ये भी वैसे ही होगी। शुक्र है इन लोगों ने मस्जिद में निकाह पढ़ाने का नहीं कह दिया, कुछ भी कह सकते हैं वो तो। वो मुझको ये बावर करा के गई है कि हम इस काबिल भी नहीं है कि उनके मेहमानों को 2 रोटियां खिला सके। अभी प्लीज ऐसा तो मत कहे ना आप, प्लीज इस बात को दिल पे मत लें। डिफरेंट स्टेटस की शादियों में ऐसा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे अपसेट हो जाएं। आप डोंट वरी, चलो ऑफिस भी जाना है। हाँ ओके अभी चलो बेटे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप बहन? जी अल्लाह का शुक्र है। वो फजल भाई ने बताया था कि जी जी आपका बेटा हमें पसंद आ गया। और हमें आपकी बेटी। भाई साहब मैं चाह रही थी कि जरा मेल झोल भर जाए तो अच्छा है,
कम से कम एक दूसरे को समझने की शुरुआत ही हो सके। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन भाई साहब अब लेकिन वेकिन की गुंजाइश कहाँ रह गई है? थोड़ी गुंजाइश तो रखनी पड़ती है बहन, थोड़ा इंतजार करें, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी, वैसे हम हर तरह से तैयार हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी, कब आ रहे हैं वो लोग? वो तो इंतजार करने का कह रहे हैं। कहीं उनका माइंड तो नहीं बदल गया? पता नहीं, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। अल्लाह खैर करे। अम्मी आप अपने दिल को संभाल के रखें, अगर वो मना भी कर देते हैं तो इट्स ऑल राइट। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें तो मुंह से मत निकालो बेटा, तुम में कौन सी ऐसी कमी है? बात तो कुछ और लग रही है, जरूर जोया ने उनको कुछ और कहने को कहा होगा, लेकिन बातें तो हमारे पास भी बहुत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। सोया ने अगर उनसे कुछ कहा होता तो बात यहां तक ना पहुंचती। उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगा। इट्स ओके, रिलैक्स। हाथी से दोस्ती करनी होती है ना तो दरवाजे भी ऊंचे करने पड़ते हैं। तुम्हारी बहन को हरी हरी नजर आ रही थी। क्या हो गया कमाल, कैसी बातें कर रहे हो? और लोगों ने ना तुम लोगों की औकात याद दिला दी तुम्हें। मुझे तो लगता है तुम लोग जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, ढोंग करते हो पढ़े लिखे होने का। यही है तुम लोगों की असलियत कि तुम लोगों के मेहमानों को दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते? हाँ, तुम कितने बदल गए हो कमाल, पहले तुमने तो बीच बचाव की थी। मैंने तो सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया था, मुझे क्या पता था कि वो लोग मुझसे भी नजरें फेर लेंगे। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब चख लो मजा। कमाल प्लीज, तुम्हें अब्बी का बेटा बन के सोचना चाहिए। अब तुम भी ना कभी कभार मेरी बीवी बन के सोच लिया करो प्लीज। तुक्के ही मार लिया करो कभी। मैं वहां मुल्तान में गर्मी में मर रहा था, तुमने तैमूर को एक फोन किया। अगर तुम उसको फोन कर देती मेरा रूम चेंज हो जाता, मैं बेहतर रहता वहां पर, कंफर्टेबली रहता, लेकिन नहीं। कमाल कमाल, क्योंकि मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस रखना आता है, तुम भी सीखो ये और यही किया करो। बिल्कुल, मैं यही करूंगा। सारी जो बातें हैं ना आप मुझे समझाया करें, सारी बातें मैं समझूं, मैं स्टूडेंट हूं। ठीक है, मैं सोने लगी हूँ, तुमने सोना होगा तो सो जाना, लैंप लाइट बंद कर दे। मुझे जब सोना होगा ना मैं सो जाऊंगा, आपसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मर्जी है तुम्हारी, मुझे सोने दो। हाँ, इजाजत दूंगा ना मैं इनसे।